जयशंकर प्रसाद जी की कहानी अनबोला, कथावाचक निर्मल मिश्र। उसके जाल में सीपियां उलझ गई थीं। जगैया से उसने कहा, इसे फैलाती हूं, तू सुलझा दे। जगैया ने कहा, मैं क्या तेरा नौकर हूं। कामैया ने तिनक कर अपने खेलने का छोटा सा जाल और भी बटोर लिया। समुद्र तट के छोटे से होटल के पास की गली से अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। जगैया उस अनखाने का सुख लेता सा गुनगुनाकर गाता हुआ अपनी खजूर की टोपी और भी तिरछी करके संध्या की शीतल बालुका को पैरों से उछालने लगा। दूसरे दिन जब समुद्र में स्नान करने के लिए यात्री लोग आ गए थे, सिंदूर पिंड सा सूर्य समुद्र के नील जल में स्नान कर प्राची के आकाश में ऊपर उठ रहा था, तब कामैया अपने पिता के साथ धीवरों के झुंड में खड़ी थी। उसके पिता की नावें समुद्र की लहरों पर उछल रही थीं। महाजाल पड़ा था, उसे बहुत से धीवर मिलकर खींच रहे थे। जगैया ने आकर कामैया की पीठ में उंगली गोद दी। कामैया कुछ खिसक कर दूर जा खड़ी हुई। उसने जगैया की ओर देखा भी नहीं। जगैया को केवल माँ थी, वह कामैया के पिता के यहाँ लगी लिपटी रहती, अपना पेट पालती थी। वह बेंत की दौरी लिए वहीं खड़ी थी। कामैया की मछलियाँ ले जाकर बाजार में बेचना उसी का काम था। जगैया नटखट था, वह अपनी माँ को वहीं देखकर और हट गया, किंतु कामैया की ओर देखकर उसने मन ही मन कहा, अच्छा महाजाल खींचकर आया, कुछ तो मछलियां थी ही, पर उसमें एक भीषण समुद्री बाघ भी था। दर्शकों के झुंड जुट पड़े। कामैया के पिता से कहा गया उसे जाल में से निकालने के लिए, जिसमें प्रकृति की भीषण कारीगरी को लोग भली भांति देख सकें। लोग संवरण न करके उसने समुद्री बाघ को जाल से निकाला। एक खूंटे से उसकी पूंछ बांध दी गई। जगैया की माँ अपना काम करने की धुन में जाल में मछलियां पकड़कर दौरी में रख रही थी। समुद्री बाग बालू की विस्तृत बेला में एक बार उछला, जगैया की माता का हाथ उसके मुंह में चला गया। कोलाहल मचा, पर बेकार, बेचारी का एक हाथ वह चबा गया। दर्शक लोग चले गए। जगैया अपनी मूर्छित माता को उठाकर झोपड़ी में जब ले चला, तब उसके मन में कामैया के पिता के लिए असीम क्रोध और दर्शकों के लिए घोर प्रतिहिंसा उद्वेलित हो रही थी। कामैया की आंखों से आंसू बह रहे थे, तभी वह बोली नहीं। कई सप्ताह से महाजाल में मछलियां नहीं के बराबर फंस रही थी। चावलों की बोझाई तो बंद थी ही, नावें बेकार पड़ी रहती थी। मछलियों का व्यवसाय चल रहा था, वह भी डावाडोल हो रहा था। किसी देवता की अकृपा है क्या? कामैया के पिता ने रात को पूजा की। बालू की वेदियों के पास खजूर की डालियां गड़ी थीं। समुद्री बाग के दांत भी बिखरे थे। बोतलों में मदिरा भी पुजारियों के समीप प्रस्तुत थी। रात में समुद्र देवता की पूजा आरंभ हुई। जगैया दूर जहां समुद्र की लहरें आकर लौट जाती हैं, वहीं बैठा हुआ चुपचाप उस अनंत जलराशि की ओर देख रहा था और मन में सोच रहा था, क्यों मेरे पास एक नाव न रही, मैं कितनी मछलियां पकड़ता। आह, फिर मेरी माता को इतना कष्ट क्यों होता। अरे वह तो मर रही है, मेरे लिए इसी अंधकार सा दारिद्र छोड़कर। तब भी देखे भाग्य देवता क्या करते हैं, इसी रगैया की मजूरी करने से तो वह मर रही है। उसके क्रोध का उद्वेग समुद्र सा गर्जन करने लगा। पूजा समाप्त करके मदिरारुण नेत्रों से घूरते हुए पुजारी ने कहा, रगैया तुम अपना भला चाहते हो तो जगैया के कुटुंब से कोई संबंध न रखना, समझा ना। उधर जगैया का क्रोध अपनी सीमा पार कर रहा था। उसकी इच्छा होती थी कि रगैया का गला घोंट दे, किंतु वह था निर्बल बालक, उसके सामने से जैसे लहरें लौट जाती थीं। उसी तरह उसका क्रोध मूर्छित होकर गिरता सा प्रत्यावर्तन करने लगा। वह दूर ही दूर अंधकार में झोपड़ी की ओर लौट रहा था।
सहसा किसी का कठोर हाथ उसकी कंधे पर पड़ा। उसने चौंककर कहा, कौन? मदिरा बिह्वल कंठ से रगैया ने कहा, तुम मेरे घर कल से ना आना। जगैया वहीं बैठ गया। वह फूट फूट कर रोना चाहता था, किंतु अंधकार उसका गला घोंट रहा था। दारुण क्षोभ और निराशा उसके क्रोध को उत्तेजित कर रही थी। दारुण क्षोभ और निराशा उसके क्रोध को उत्तेजित करती रही। उसे अपनी माता के तत्काल न मर जाने पर झुंझलाहट सी हो रही थी। समीर अधिक शीतल हो चला। प्राची का आकाश स्पष्ट होने लगा, पर जगैया का अदृष्ट तमसा छन्न था। कामैया ने धीरे धीरे जाकर जगैया की पीठ पर हाथ रख दिया। उसने घूमकर देखा, कामैया की आंखों में आंसू भरा था। दोनों चुप थे। कामैया की माता ने पुकार कर कहा, जगैया तेरी मां मर गई, इसको अब ले जा। जगैया धीरे धीरे उठा और अपनी माता के शव के पास खड़ा हो गया। अब उसके मुख पर हर्ष विषाद सुख दुख कुछ भी नहीं था। उससे कोई बोलता न था और वह भी किसी से बोलना नहीं चाहता था। किंतु कामैया भीतर ही भीतर फूट फूट कर रो रही थी, पर वह बोले तो कैसे? उससे तो अनबोला था ना। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी अनबोला। कथावाचक निर्मल मिश्र।